ज वेलकम बी बिस्कुल के बारे में जो फाइनेंस के लिए हिडन जेम है बहुत बार इस बारे में बात नहीं करी जाती है लोगों को ये पता नहीं है बट आज मैं इसको पूरा, का पूरा इसके डिटेल्स बताने वाला हूं एस एस बी एफ सिंबैस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनांस इस कॉलेज की सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि जो लीडर है इन कॉलेज के जो मैम है नेहा मैम हु इज अ डायरेक्टर यार नेहा मैम हैज बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन आवर एमबी आल्सो एंड शी हैज बीन गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉम आल्सो सो इमेजिन करो एक फाइनेंस का बिज़नेस स्कूल जब एक गोल्ड मेडलिस्ट उसको लीड करता है सो क्वालिटी इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली गारंटेड राइट ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी मैंने जब मैम के साथ इंटरेक्शन करता था तब मुझे ये पता नहीं था एक्चुअली यू नो शी इज वेरी डाउन टू अर्थ वी वेरी ऑनेस्ट बट जब मैंने मैम का प्रोफाइल देखा आई वाज स्टंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज कैसा है कॉलेज में क्या क्या प्रोफाइल्स आती है प्लेसमेंट्स क्या है वगैरह वगैरह के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली

इसका जो एक पेयर ग्रुप है वो काफी स्पेशल बनता है inside, have, known, uh, you know, well, बात करूं यहाँ पे वर्किंग्स एक्स वर्सेज फ्रेशर्स के बारे में फ्रेशर्स को जो नंबर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे राउंड अगर आप पकड़ोगे तो so आपका जो एक थ्री फोर्थ बैच है सेवेंटी फाइव बैच इज फ्रेशर आगे चलेंगे तो देखेंगे आपका वर्किंग्स वाला क्राउड भी ठीक ठाक है दो साल के ऊपर के भी बच्चे यहाँ पे तकेंट है कि सर चलो ठीक है बैच प्रोफाइल तो अच्छा है uh, really, really आगे थोड़ा बताओ, इसकी के बारे में क्या सीन है अगर थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में बता दू सबसे पहली बात यहां पर हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट दी जाती है इनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है दट सेट इट्स हंड्रेड परसेंट प्लेमेंट ऑल्सो वट एव लव द बी स्कूल दे है पार्टनर्ड विद इंस्टीट्यूश लाइक ए आई

इनका हाइएस्ट पैकेज भी है। बिकॉज़ देयर आर कॉलेजेस दे आर डूइंग सो मच ऑफ मार्केटिंग एंड इतने ब्रांडिंग एंड दट एस एस बी एफ इज अ बी स्कूल विच इज लिटिल मेरे ख्याल से अंडर रेटेड और अंडर डॉक बट डूंगली गुड इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस बिकॉज इट्स नीच कॉलेज लाइक एस आई ओ एम हो गया लाइक एस आई एम सी हो गया सो आई थिंक दंबर्स एबुलस एटलीस्ट इनका जो एवरेज है वो दस के ऊपर जा रहा है अब यहाँ पे ना जहाँ पे आर ओ आई की बात आ रही है सो आर ओ आई के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा बिकॉज आर ओ आई इज समिंग आप एक या दो साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो बट फाइनेंस में क्या मायने रखता है क्या मैटर करता है फाइनेंस में वो होता है फाइनेंस का करिकुलम वो होता है फाइनेंस की नॉलेज वो होता है उसका नो हाउ सो इफ यू स्टडी फाइनेंस स वेरी वेल देन ओनली यू कैन ग्रो इन लाइफ बिकॉज फाइनेंस में अगर आप कॉर्पोरेट्स में देखोगे वहां पे कोई ब्लफ नहीं चलता है अगर आपको पूछा जाता है कि भाई मुझे कैपे मॉडल बता या मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो का वैल्यूएशन का फंडा बता या फिर मुझे तो डेरिवेटिव के बारे में बता सो यू कैन नॉट ब्लफ वहां पर अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूँ कि अगर मैं बोल दिया कि चलो ये प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लाना है बताओ इसके लिए तुम क्या करोगे फिर तो तुम तो जितना फेंकना है उतना फेंक सकते हो हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे पर फाइनेंस में अगर आपको ग्रोथ चाहिए वॉट इज रिक्वायर्ड इज योर टेक्निकल नॉलेज दैट्स एब्सलूटली नॉन नेगोशिएबल सो so, जितने भी बच्चे फाइनेंस के वीडियो देखना चाहते हैं या फिर फाइनेंस करना चाहते हैं ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि मे बी जब आपका स्टार्ट होगा एंड फाइनेंस में ये होता है टीयर टू से जब आप निकलते हो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कम होती है कंपेरिजन टू मार्केटिंग बट इफ यू आर रियली गुड इफ यू आर टेक्निकली साउंड यू इवेंचुअली मेक टू एक्स थ्री एक्स देन वॉट यू नो एच आर ऑपरेशन और मार्केटिंग का स्टूडेंट्स आर मेकिंग दस फैक्ट अबाउट फाइनेंस एंड आई आई कैन टेल यू दैट बिकॉज स्पेंड माई नो मोर देन टेन ईयर ऑफ लाइफ इन फाइनेंस डोमेन फाइन आगे चलते हैं सो so, अगर आप यहाँ पे देखोगे बी एफ एस आई इज राउंड अबाउट फिफ्टी एट परसेंट आई टी एस टेन परसेंट अदर्स थर्टी टू परसेंट सो ये कॉम्बिनेशन है जहां जहां से प्लेसमेंट होती है क्या क्या प्रोफाइल दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं प्रोफाइल रिलेशनशिप मैनेजर एनालिस्ट गुड वन फाइनेंशियल कंसल्टेंट गुड वन वेल्थ मैनेजर गुड वन सो इफ यर समबडी बडी हु लवस टू टॉक हुज गॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हो वेल्थ मैनेजमेंट में जो सी सी होती है वो दस लाख की होती है एंड आपकी जो एक इंसेंटिव जाती है हर साल की वो आपके सैलरी के फिफ्टी परसेंट तक जा सकती है मतलब आपका टेक होम पंद्रह लाख तक भी हो सकता है फाइन ये वेल्थ मैनेजमेंट का एक कल्चर है देन यू हैव अगर ज्यादा लंबा या फिर बड़ा ना सोचू मुझे तीस लाख चाहिए चालीस लाख चाहिए द मोमेंट आई पासवर्ड फ्रॉम द बी स्कूल अगर हम वो साइड में रखते हैं तो करिकुल आर वेरी गुड अब इनके कुछ रिक्रूटर्स के बारे में बात करते हैं आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी कहा मिल सकती है प्लेसमेंट की वो देखते हैं मॉर्गन स्टैंडलीम इट्स ए इन्वेस्टमेंट बैंक

आप अपॉर्चुनिटीज फोड़ सकते हो यार एंड आर लाइक रियली रियली गुड आगे चलेंगे में मुझे बहुत अच्छी बात लगी सी दे आर वेरी मच टेक्नो ओरिएंटेड सो जब मेरी नेहा मैम से बात हो रही थी लाइक थीन हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं बिकॉज वी 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 आर निश स्कूल एंड टू क्रिएट फाइनेंस लिटरेसी वेरी वेल सो हम इतना ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चीजें लाएं बिकॉज ऑफ विच बच्चों का फाइनेंस का नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़े सबसे पहली बात दे आर फोकसिंग ऑन ब्लूमबर्ग इट्स इट नीड ऑफ आवर ब्लूमबर्ग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है यू यू गॉट गॉट पाइथन देन ये चीजें आपको पढ़ाई जाती है कॉलेज में सो so जहां तक बात है इसके करिकुलम के बारे में आई थिंक करिकुलम इज करिकुलटेस्टिक्वेल्वर्स ओल्ड स्कूल मेरे ख्याल से लुकिंग एट द पैकेजेस दे आर डिसेंट अगर आप टॉप ऑप कर लेते हो यहाँ पे सो so मेरे ख्याल से आप इससे भी ज्यादा पैकेज uh, निकाल सकते हो इनकी आज जो है ना वो लास्ट डेट है सिक्सटीन जनवरी इज द लास्ट डेट द फॉर्म्स आर ओपन या आज बंद हो जाएंगे फॉर्म्स मेक श्योर

तो उन्होंने फीडबैक बहुत अच्छा दिया सो so, मुझे लगता है है एक ओवरऑल परसेंटाइल का बी स्कूल अगर भाई तुझे लाख लाख या की एवरेज देता है, और तुझे चांसेस देता है मॉर्गन मॉर्गन जेपी जैसी कंपनीज में बैठने के लिए या फिर वहां पे जॉब करने के लिए मुझे लगता है दिस इज अ फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी गो फिल द फॉर्म बाद में हम देखेंगे कि हमें कॉलेज ज्वाइन करना है कि नहीं करना है बट फिलहाल बिंग फाइनेंस गाय